अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना सईद एंड वेलकम टू द कैलीग्राफी कोर्स। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आप लोगों को अलिफ लिखना सिखाया था, तो उसमें मैंने देखा कि आप लोगों की बहुत सारी मिस्टेक्स थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की मिस्टेक्स जो आप लोगों ने की हैं उसको एक मरतबा आपको दोबारा से उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जो आपकी मिस्टेक थी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल मैंने देखा कि जिस तरह से आप लोगों ने अलिफ लिखा था, कुछ स्टूडेंट्स को एंगल की समझ नहीं आ रही थी, कुछ ने कट सही तरह से नहीं लगाया हुआ था और कुछ ने तो नीचे से बिल्कुल फ्लिक कर दिया था, जो कि मैंने मना किया था। ठीक है, तो मैं एक मतलब आपको दोबारा से लिख के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों की जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन हैं, वो दूर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एंगल जिसको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, तो ये जो एंगल है ना, यहाँ पे ऐसे जो एंगल बनता है ना, ठीक है, वो होता है 90 का एंगल। ठीक है, ये है 90 का एंगल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग इसको हाफ करते हैं तो 90 का जो हाफ होता है वो 45 होता है। ठीक है, ये हमारा 45 का एंगल है। जब हम लोग इसके नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा 25 और 30 जो भी एंगल्स है ना वो ये होते हैं। लेकिन जब हम इसे ऊपर जाई जाते हैं तो 60 का एंगल, 70 का एंगल और 80 का एंगल आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने जब अपनी कलम को यूज करना है ना, कलम को जब आप लोगों ने लिखना है, तो आपने एंगल जो यूज करना है वो 70 to 80 का एंगल है। उसका मतलब ये था कि आपने अपनी कलम जो है वो इस तरह से रखनी थी। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से अपनी कलम रखेंगे तो समझेंगे आपने रखी हुई है 90 के ऊपर। अगर आप लोग अपनी कलम इस तरह से थोड़ा सा इससे इस तरह से रखेंगे तो समझें कि आपने बिल्कुल ठीक और 80 पे अपनी रखी हुई है, 70 to 80 के दरमियान। ठीक है, अगर आप लोग नीचे जाई जाएंगे तो फिर उसके बाद 60, 45 और मतलब उसके बाद आपके नीचे वाले एंगल्स, तो जिस तरह से आप लोग एंगल चेंज करते जाएंगे आपके वर्ड्स भी खराब होते जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा मतलब कि आपने एंगल इसको कहते हैं। उसके बाद एक और मिस्टेक थी, अलिफ लिखने से पहले स्टूडेंट्स ने लिखे हुए हैं कत ना इस तरह से, एक कत उसके नीचे से ऐसे दूसरा कत, उसके नीचे से ऐसे दूसरा कत, और बहुत टेढ़े, कोई छोटा, कोई किस तरह का, इस तरह से लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो सही तरीका कत लगाने का है वो थोड़ा सा स्केयर से ज्यादा होता है और इसके एंड से स्टार्ट करना है यहां से। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से आपने अपने कत लगाने हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एंगल की भी समझ आ गई होगी और कत की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है वो अब अलिफ लिख के दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अलिफ किस तरह से लिखा था। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले 7 कत लगा लेते हैं हम लोग। इसकी मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि पैमाइश जो है वो 7 कत है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा, और इस 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखें, अगर हम लोग इसके नीचे नीचे बिल्कुल एक तरह से लगाएंगे तो एक तो ये खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, दूसरा ये इसकी बिल्कुल एक्यूरेट है मैयर के, इस तरह से ही हम लोग कत लगाते हैं। अब हम अलिफ लिखते हैं, अब एंगल को यूज करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल हमारा इस तरह से है, यहां पर हमने रखनी कलम और यहां से इस तरह से नीचे थोड़ा सा बेंड करना है, और नीचे आते 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 जब हम लोग 6 पे पहुंचेंगे ना, 6 कत के ऊपर पहुंचेंगे, वहां तक हमने इतना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट कत है ना हमारा, हमने अपना एंगल उधर से सिर्फ, हमने उसको आगे नहीं लेके जाना, हमने क्या करना है कि सिर्फ अपना एंगल जो है ना उसको चेंज करना है। ये देखिये, मैं अपना एंगल अपनी कलम को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो वो हमारा अभी, तो मैंने ये इस तरह किया, ये देखे, ये बिल्कुल हमारी अलिफ इस तरह से हमने लिखना है। मैं एक बार आपको दोबारा अब लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए, यहां से एंगल हमने लिया, यहां से स्टार्ट किया, ये देखे, बिल्कुल उसी एंगल पे मूव करते हुए हमने सिर्फ अपनी कलम को उसका एंगल चेंज किया, तो हमारे पास नीचे से बारीक और बिल्कुल उसी लेन में है। ठीक है, अब जो रही बात आपके ताज की, तो जो क्राउन ऊपर होता है ताज, अब हमने क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत इधर से शुरू किया हुआ है, कुछ ने बहुत इसको यहाँ से खड़ा कर दिया था। ठीक है, लेकिन जो रियल कत लगाने का तरीका है, ताज बनाने का तरीका है, वो ये है कि इससे थोड़ा सा ऊपर और इससे थोड़ा सा आगे, वो यहां से शुरू करना है आपने। ठीक है, यहां से शुरू करते हुए इस तरह लेकर आना है इधर तक, इसके एंड तक। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था
कि आपने क्या करना है, इसकी लंबाई थोड़ी सी आगे इस तरह से लगानी है, ठीक है, और इसको यहां से ऐसे बराबर कर देना है, और यहां से ऐसे लेकर जाके थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इस टिप से, ठीक है, और थोड़ा सा इस पे कलर लगा के इसको हमने फिल कर देना है, तो ये हमारे पास हमारा क्राउन बन जाता है, ठीक है इसका। तो ये है इसका असल तरीका क्राउन बनाने का। अगर आपसे कभी कुछ खराब हो भी जाता है तो आप वो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये इससे आराम से हम लोग कहीं से भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो आपकी मिस्टेक्स थी वो पता चल गई होंगी, एंगल का, कत लगाने का, अलिफ का और उसके ताज का, ठीक है। तो आप लोग इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस करें, एक मरतबा नहीं बार बार इस पे प्रैक्टिस करें, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती अच्छी तरीके से तब तक आपको लिखना नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में तब बनाऊंगी जब आपको ये वाला करना आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।